नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। जहांगीरपुरी में बुलडोजर का एक्शन फिर शुरू होगा या फिर उस पर ब्रेक लगा रहेगा, आज इस बात का फैसला सुप्रीम अदालत में होगा। जी हां, देश की सबसे बड़ी अदालत आज बुलडोजर के एक्शन पर सबसे बड़ा फैसला सुना सकती है। अब से ठीक आधे घंटे के बाद जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की बेंच में ये सुनवाई होगी। कल सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में बुलडोजर पर रोक लगाई थी। अवैध कब्जे पर बुलडोजर के खिलाफ ये याचिका जमीयत उलेमाए हिंद ने दायर की है। सीपीएम नेता वृंदा करात ने भी सुप्रीम कोर्ट में नॉर्थ एमसीटी के एक्शन के खिलाफ अर्जी दायर की है। आज सुप्रीम कोर्ट देश के अलग अलग राज्यों में माफिया और अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर के एक्शन पर भी सुनवाई करेगा। जहांगीरपुरी में चलेगा बुलडोजर या जारी रहेगी रोक? एमसीडी के एक्शन पर क्या होगा सुप्रीम फैसला? जहांगीरपुरी के वो लोग जिनके ठिकाने बुलडोजर की जद में आ सकते हैं, वो लोग जो ज्यादती का नाम लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, सभी की निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं। आज सुनवाई के बाद तय होगा कि अवैध कब्जा हटाने की ड्राइव चलती रहेगी या थम जाएगी। एमसीडी की ड्राइव बुधवार को शुरू हुई थी। दो घंटे से ज्यादा चले अभियान में जहांगीरपुरी सी ब्लॉक में अवैध कब्जे हटाए गए। इस बीच सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया और अतिक्रमण अभियान को रोक दिया गया। एमसीडी की बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद ने याचिका दायर की है। याचिका में आरोप है कि अवैध अतिक्रमणों की पहचान करने, संपत्ति मालिकों को नोटिस जारी करने और नोटिस का जवाब देने के लिए समय देने की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि डेमोलिशन ड्राइव पर यथास्थिति बरकरार रखी जाए और मामले को नई बेंच के सामने लिस्ट किया जाए। आज जस्टिस एल नागेश्वर राव और बी आर गवई की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। जहांगीरपुरी में एमसीडी की ड्राइव के खिलाफ जमीयत की याचिका के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है। दूसरी याचिका यूपी एमपी समेत देश के दूसरे हिस्सों में बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ दायर की गई है। अब आज हो रही सुनवाई न सिर्फ जहांगीरपुरी में हो रही डिमोलिशन ड्राइव पर असर डालेगी, बल्कि इसका असर देश के दूसरे राज्यों में अपराधियों और माफिया के खिलाफ हो रहे बुलडोजर के एक्शन पर भी पड़ सकता है। और आइए अब सीधा चलते हैं इस वक्त जहांगीरपुरी से लाइव। मेरे सहयोगी पवन नारा जुड़ गए हैं। पवन, ओवर टू यू। शुक्रिया मीनाक्षी। इस वक्त हम जहांगीरपुर के उसी चौक पर हैं जहां बवाल हुआ था और जिसके बाद यहां बुलडोजर चला था, लेकिन आज यहां तूफान के बाद वाली शांति कही जा सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो डेमोलिशन ड्राइव थी, अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई थी, वो रोकी गई। लेकिन अब यहाँ सन्नाटा फैला है और सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला निकलकर सामने आता है। क्योंकि जब कल 10:30 बजे ये कार्रवाई शुरू हुई और 12:30 बजे उस दौरान काफी एक्शन यहाँ देखा गया था, काफी अतिक्रमण को हटाया गया था, लेकिन ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, या कहें कि अतिक्रमण के खिलाफ डेमोलिशन की शुरुआत भर है। क्योंकि जहांगीरपुर की गली गली में सरकारी जमीन पर कब्जा है और अगर सचमुच इस अतिक्रमण को खत्म करना है तो ये कई दिन की कार्रवाई है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से ये मामला है और सुप्रीम कोर्ट में ये जमीयत उलेमाए हिंद और बाकी संगठन पहुंचे हैं, क्या दलील रखी जाती है और कैसे यहाँ नॉर्थ दिल्ली एमसीडी अपने एक्शंस को डिफेंड करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई आदेश हैं जिसमें कहा गया है कि सड़क पर अतिक्रमण नहीं किया जा सकता और एमसीडी को उसके खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति है। वहीं दूसरी तरफ बहुत से सुप्रीम कोर्ट के ऐसे आदेश हैं जिनमें कहा गया है कि किसी भी अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले नोटिस दिया जाना जरूरी है। तो ये सब बातें हैं। तो कुल मिलाकर सबकी निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली कार्रवाई पर टिकी हुई है। यहाँ की अगर आप तस्वीर दिखाएं तो ये मस्जिद है, उसके आगे मंदिर है, यहीं ये हिंसा हुई थी जिसके बाद डेमोलिशन ड्राइव हुई, लेकिन अब ये नो जोन
नो गो जोन है और अब ये स्थिति यहाँ ऐसी है कि मीडिया वहाँ अलाउड नहीं है। हमारी सहयोगी गोनिका इस वक्त हमारे साथ है और कुमार सोनू जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कुमार सोनू के पास आना चाहेंगे। कुमार, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है अंसार के बारे में और क्या परतें खुल रही हैं, ये सबसे बड़ी बात है, वो बताइए। देखिए, अभी तक हमारे पास तीन बड़ी खबर है अंसार को लेकर। पहली खबर ये है कि अंसार को फोन करके जो है मस्जिद के पास बुलाया गया था। मस्जिद के पास से ही किसी शख्स ने अंसार को फोन किया था, जिसके बाद अंसार मौके पर पहुंचा था। ये दिल्ली पुलिस सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली है। दूसरी खबर ये कि जब अंसार दिल्ली आया था तो उसने सबसे पहले स्मैक का काम करना शुरू किया था, लेकिन बाद में उसे ये एहसास हुआ कि स्मैक का अगर वो काम करता है, नशे का अगर कारोबार करता है, तो वह NDPS एक्ट के तहत लंबे समय तक जेल में रह सकता है। तो लिहाजा उसने स्मैक का कारोबार बंद किया और उसके बाद इलाके में अवैध तरीके से सट्टा खिलाना शुरू किया और उसी अवैध धंधे के दम पर उसने जो है अच्छा खासा पैसा कमाया और उस पैसे के रसूख पर जो है उसने इलाके में अपनी पैठ बनाई, अपना दबदबा बनाया, तो अच्छा खासा पैसा उसके पास था। तीसरी जो सबसे बड़ी खबर है कि एक फोटो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है, हमने भी अपने दर्शकों को दिखाई थी, जिसमें अंसार एक सफेद रंग की BMW कार पर पैर रखे हुए दिखाई दे रहा है। दरअसल वो BMW कार एक डिस्प्यूटेड कार थी, उसने किसी थर्ड पार्टी से जो है वो गाड़ी खरीदी थी कुछ पैसों में, जबकि वो गाड़ी उस पार्टी की नहीं थी, जबकि उस गाड़ी का असली मालिक मदनगिर इलाके का रहने वाला था, जो कि दक्षिण पूर्वी दिल्ली का है। और उस गाड़ी के असली मालिक ने इस पूरे मामले की शिकायत और अंसार की शिकायत जो है दिल्ली पुलिस से भी की थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने लगातार उस पर दबाव बनाया, लेकिन अंसार ने वो गाड़ी सफेद रंग की BMW कार पश्चिम बंगाल में सोनी वहां पर सोनू बता रहे थे किस तरह से अंसार के कच्चे चिट्ठे खुल रहे हैं, किस तरह से अवैध गतिविधियों में शामिल था। गोनिका अरोड़ा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। गोनिका, सुप्रीम कोर्ट में आज मामला है, इस मामले में कपिल सिब्बल जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से पेश हो रहे हैं, बाकी किन किन को पार्टी बनाया गया है और कब तक उम्मीद की जानी चाहिए कि आज इस नॉर्थ दिल्ली MCD के एक्शन पर कोई आदेश आएगा? देखिए पवन, इस पूरे मामले में पहली याचिका जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से ही सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई, उसकी उनकी तरफ से कई एडवोकेट्स पेश हुए, जिसमें दुष्यंत दवे, संजय हेगड़े, साथ ही साथ कपिल सिब्बल पेश हुए। कपिल सिब्बल मुख्य तौर पर रिप्रेजेंट कर रहे थे, उसके साथ साथ दुष्यंत दवे ने भी अपनी दलीलें रखी, जिसके बाद कोर्ट ने यथास्थिति को बरकरार रखने के लिए कह दिया था। और कल एक और याचिका फाइल की गई वृंदा करात की तरफ से। वृंदा करात जो कल यहां पर पहुंची थी, जब डिमोलिशन ड्राइव चल रहा था यहां पर, तब वो बुलडोजर के आगे आकर खड़ी हो गई थी, तो एक याचिका उन्होंने भी कोर्ट में लगाई है। उनकी याचिका में मुख्य तौर पर यह कहा गया है कि डिमोलिशन ड्राइव सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से चल रही थी, और आज जब जस्टिस एल नगेश्वर राव की बेंच बैठेगी, 10 नंबर ये मैटर है, 10:30 बजे बेंच बैठेगी, तो उम्मीद की जा रही है कि 11:15 के बीच में ये मैटर कोर्ट के सामने सुना जाएगा और तब देखना होगा, क्योंकि दोनों पक्षों को ये दलीलें रखनी है। अगर MCD ने डिमोलिशन ड्राइव बिना नोटिस जारी किए चलाया है, तो क्या ये बिना नोटिस जारी किए MCD अपना डिमोलिशन ड्राइव चला सकती है? और दूसरे तरफ का पक्ष यानी कि जमीयत उलेमा हिंद जो अपना पक्ष रख रहा है कि इस तरीके से लोगों को बिना नोटिस दिए हुए ये डिमोलिशन ड्राइव अवैध तरीके से चलाया गया, उसका भी जवाब उन्हें देना है कि क्या अगर यहां पर लोगों ने अवैध तरीके से सवाल है छोटा सा सवाल ये है कि क्या डिमोलिशन ड्राइव जो सड़क पर कब्जा है उसके खिलाफ बिना नोटिस दिए क्या नॉर्थ दिल्ली MCD कार्रवाई कर सकती है? क्योंकि यहाँ किसी का घर नहीं तोड़ा गया है, बल्कि सड़क से अतिक्रमण को हटाया गया है, तो इस पर क्या पेच है, क्या अभी इससे पहले के वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रहे हैं? देखिए, एक वर्डिक्ट अजय माकन के केस में आया था। अजय माकन इस वर्डिक्ट में यह कहा गया था कि झुग्गी झोपड़ियों के रीसेटलमेंट के लिए, यानी कि अगर किसी झुग्गी झोपड़ी को, किसी के जे कॉलोनी में किसी के घर को तोड़ा जाना है, तो उस मामले में आपको नोटिस जारी करना पड़ता है, और उसी के लिए ये कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया था। लेकिन यहां पर हम आपको बताएं कि यहां पर तो किसी का घर नहीं तोड़ा गया, बल्कि जिन लोगों ने घर के बाहर, दुकानों के बाहर अवैध कब्जा कर रखा था, नहीं तोड़ा गया है, सिर्फ कार्रवाई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।